नमस्कार, मैं हूं रीना और आप देख रहे हैं विंद भारत। नगर पालिका नगर निगम का चुनाव हो, दावे वादों की बात ना हो, पुराने रीवा में रीवा की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारी टीम ने पूर्व महापौर सहित महापौर पद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, कांग्रेस से लड़ चुके वरिष्ठ वकील से बात की। पूर्व महापौर जहां कह रहे थे पुराने रीवा और आज के रीवा में बहुत बदलाव दिखाई देता है, वहीं कांग्रेस नेता का कहना था विकास कहाँ हुआ है। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद भारत, मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। मैं मौजूद हूँ इस समय बिछिया इलाके में, शहर का सबसे पुराना इलाका है, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के बाहर मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर इस रीवा शहर के काफ़ी जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, पूर्व महापौर भी मौजूद हैं, चुनाव लड़ चले एक प्रत्याशी भी मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे। वार्ड 42 है, मतदान का अंतिम लम्हा चल रहा है, लगभग 5 बजने को है। थोड़ी देर में इस गेट को बंद कर दिया जाएगा, जो मैं जहां खड़ा हूं उसके ठीक पीछे गेट दिखाई दे रहा है, उसके बाद जो गेट के अंदर होगा उन्हीं को मतदान के लिए अनुमति दी जाएगी। सबसे पहले मैं पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार जी से बात करूँगा। आप जब महापौर हुआ करते थे, तब के रीवा और आज के रीवा में क्या अंतर दिखाई देता है आपको? अरे, तब के रीवा और अब के रीवा में जमीन आसमान का अंतर हो गया भैया। क्या है, पहले तो अपना रीवा संभागीय स्तर का ज़रूर था, लेकिन स्थित उसकी एक तहसील के बराबर दिखाई देती थी। विकास की कोई किरण नहीं थी, कोई सड़क चलने 10 फुट से, ध्यान से सुनिएगा, 10 फुट से ऊपर कोई सड़क नहीं थी। केवल एक सड़क कहलाती थी जो स्ट्रेची चौराहा की है, वही एक सड़क महाराज गुलाब सिंह के ज़माने से बनी हुई थी और कंक्रीट बाकी सारी मुरूम और गिट्टी की सड़कें सारी थी। मैं अभी आ रहा हूँ, सारी मुरूम और गिट्टी की थी, कुछ नहीं था आप लोगों के ज़माने में, साफ तौर से पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार जी का कहना। क्या कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ में ज़िंदगी गुजार रही है। कोई विकास के काम क्या, विकास वही भर करें क्या? आज़ादी के बाद से जब से कांग्रेस देश में सरकार बनाई है तो कौन ने विकास किया? क्या ये विकास नहीं था? आज वो कह रहे हैं कि विकास हम किए हैं, विकास नहीं हुआ है। वो तो जनता को है दिखाते हैं कि हमारी पार्टी है, आप हमको वोट दोगे नहीं तो आपका विकास खत्म हो जाएगा। साफ साफ से डॉक्टर साहब आरोप लगा रहे हैं, आप वरिष्ठ वकील हैं, रीवा शहर के भूगोल को अच्छे से जानते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि कांग्रेस की अगर सुकर्म होते तो इस रीवा नगर से इनका सफाया न होता। भाजपा के सुकर्म रहे हैं, विकास के साथ साथ सबका विश्वास और नीचे से लेके ऊपर तक के लोगों को बराबर ध्यान में रख करके विकास की गंगा बहाई गई है। विकास की गंगा बह रही रीवा में, क्या बह रही है? एकदम से पूछना चाहते हैं भाजपाइयों से, कौन सी विकास क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? आज जितनी साली जो भी आवेदन पर जाए उसमें हजारों रुपये खाली ऑनलाइन में जमा करना पड़ता है। रसीद, पहले रसीद मिलती थी, अब रसीद नहीं, ऑनलाइन दीजिए, 500 रुपये जमा करिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लीजिए, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट, नगर निगम की बुरी हालत है, चाहे नक्शा पास करिए, सब में पैसा ले रहे हैं खुल्लम खुल। अब वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी देना पड़ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पैसे देने पड़ते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा कुछ? अच्छा, यदि ऐसा होता आपके कथनानुसार, भारतीय जनता पार्टी के 5 महापौर हो चुके, ये 6वां महापौर है, और इसका फैसला जनता जनार्दन कर देती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसका फैसला जनता कर देती है क्या सही है क्या गलत है, हालांकि आज बहस का विषय नहीं है। आज मतदान के अंतिम लम्हे चल रहे थे, हालांकि ये 3 बड़े नेता मिल गए तो हम लोगों ने थोड़ी सी इनसे बातचीत कर ली। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।